रील्स बारे करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मेरी इस वीडियो के अंदर 218,000 से ज्यादा व्यूज आए थे और 27,000 से ज्यादा लाइक आए थे। अब मैं लेके चलता हूँ सेकंड आईडी पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हर वीडियो के अंदर 10K प्लस व्यूज आके रखा है, जबकि इसके अंदर सिर्फ 2,000 फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि आप मेरी हर वीडियो के अंदर 10K प्लस व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने आपको अपनी काफी सारी वीडियोस के अंदर बोला हुआ है कि आप अपनी हर रील वीडियो हिट नहीं दे सकते हो भाई, जिनके मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनका भी हर एक रील वीडियो वायरल नहीं होता है, हर एक रील वीडियो लाखों में मिलियंस में नहीं जाता है। बात सही है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाँ गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने रील्स वीडियोस को वायरल किस तरीके से कर सकते हो, एंड सब चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। और जो मैं आपको तरीका आज बताने वाला हूँ उससे आपका जो रील्स है वो 100% वायरल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं आज आपकी रील्स वीडियो को वायरल कराने वाला हूँ। जो मैं तरीका बताऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, और आज की वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप 100% अपने किसी ना किसी रील वीडियो के अंदर लाखों मिलियंस व्यूज लेके आ सकते हो। बट आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। फर्स्टली वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है सिंध पाठी और आपका स्वागत है शिवम रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफी ज्यादा वीडियो लेके आता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, जो सेटिंग बताने वाला हूं, अगर आप उनको समझ लेते हो तो भाई लाखों व्यूज तो आपके चुटकी का काम है। आप चुटकी बजाओगे और आपके लाखों व्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब जो मैं चीज आपको बता रहा हूं उनको बिल्कुल ध्यान से बना। तो सबसे पहले आपको करने के आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी को ओपन करना है। इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहां पे ओपन कर लिया। अब जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझ से चले जाइए। थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है एंड यहां पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू इंटरफेस है, आप पे भी देख सकते हो। तो सिंपली से आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे से आपको स्क्रॉल डाउन करते चले जाना है एंड यहाँ पे भाई लाखों व्यूज आने वाले हैं। अब जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूं अगर आप उसको समझ लेते हो, ठीक है, तो नीचे के साइड स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे शेयरिंग एंड रिमिक्सिंग का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वो समझिए, ठीक है। इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है फॉलो पोस्ट शेयर टू स्टोरी, इसको आपको ऑन कर देना है। अब इससे होगा क्या, कोई भी आप यहाँ पे पोस्ट डालते हो उसको यहाँ पे लोग अपनी स्टोरी के अंदर शेयर कर सकते हैं, जिससे जो आपका इंप्रेशन है वो बढ़ेगा, चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो रील्स हो, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे साइड स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, इन दोनों ऑप्शन को भी आपको इजीली ऑन कर देना है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें नहीं है। उसके बाद आपको नीचे साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑन फेसबुक, इसको भी आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे मैं एक चीज बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऐप का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको देखना है जो आपका फेसबुक है वो आपके इंस्टाग्राम से कनेक्टिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको जो रील्स है वो फेसबुक के अलावा कहीं पर भी नहीं जाएगा, मतलब सॉरी इंस्टाग्राम के अलावा कहीं पर भी नहीं जाएगा। आप इसको कनेक्ट कर लीजिए जिससे आपको जो रील्स है वो फेसबुक में भी रिकमेंड कर सके। उसके बाद आपको बैक करना है एंड यहाँ पे आपको मिलता है डाटा यूजिंग एंड मीडिया क्वालिटी, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोडेड हाई क्वालिटी, इसको आपको ऑन कर देना है। अब आपको मैं बता दूं जो अपलोडेड हाई क्वालिटी वाला ऑप्शन है आप इसको तभी ऑन करिए जब आप अपनी रील वीडियो को अपलोड करते हो, बाकी आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गई सेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है रील्स वीडियोस को बनाते टाइम पे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ मेरा एक पेज इंस्टाग्राम पे जिसके अंदर मैं प्रमोशन भी आपका करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 138,000 फॉलोअर्स है, इसके अंदर आपका प्रमोशन भी हो सकता है एकदम फ्री में, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लगेगा, उसके बारे में मैं आपसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे अच्छे खासे मेरे व्यूज आते हैं, व्यूज मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर वीडियो के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज आ जाते हैं, नॉर्मली बात है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरी इस वीडियो के अंदर 11 मिलियन व्यूज आए, इस वीडियो के अंदर 11 मिलियन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझिए, ठीक है। तो सिंपली से मैं करता हूँ इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अब इसका आप ऑडियो सुनिए एंड इससे लोग रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ वो चीज आप यहाँ पे सुन लीजिए, ठीक है। मैं वीडियो को ओपन करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। इस गाड़ी में वही अपने पापा को घुमाएगा जो शेयर बटन पे क्लिक करते ही दूसरे नंबर पे आएगा, शेयर करके देखो। मखा इस वीडियो को शेयर करते ही पहला नाम जिसका आएगा भाई माँ की कसम तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों साउंड के अंदर दोनों वीडियो के अंदर ऐसा साउंड यूज किया है जिससे लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग फिर शेयर करके देखते हैं भाई कौन ऐसा बंदा है जो अपने पापा को गाड़ी में घुमाने वाला है, कौन ऐसा बंदा है जो हमारा साथ निभाएगा, इससे लोग रिलेट कर पाते हैं भाई। और मैं आपको वही चीजें समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा रील्स बनाइए जिससे लोग रिलेट कर पाए। अगर आपकी वीडियो के साथ लोगों ने रिलेट करना स्टार्ट कर दिया तो भाई आप इतने ज्यादा फेमस हो जाओगे, आपकी रील्स वीडियो इतना ज्यादा वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई आपको यकीन भी नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं आप फेस वीडियो बनाते हो या विदाउट फेस वीडियो बनाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे किसी भी तरीके का वीडियो बना सकते हो, बट उसके अंदर आपको ऑडियो इस तरीके का यूज करना है जिससे लोग रिलेट कर पाए, ठीक है। अब मैं आपको एक अपडेट के बारे में बताता हूँ जिस अपडेट को यूज करके काफी सारे लोग अभी के टाइम पे रील्स वीडियोस को वायरल भी कर रहे हैं, और ये जो मैंने तरीका है ये मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर काफी बारी यूज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करता हूं वो जो तरीका है जो नया अपडेट है उसको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे फिर से मैंने आईडी को ओपन कर लिया, जो मैंने पहले दिखाया था आपको वही मैंने आईडी को ओपन कर लिया। अब यहां पे आपको सिंपली से करना क्या है, ऑडियो पे आपको चले जाना है। ऑडियो मैंने आपको बता रखा है कि आपको वही ऑडियो यूज करना है जिस पे एरो का निशान आ रहा हो, ठीक है, एरो का निशान आ रहा हो और जिस
जिसपे 1000 वीडियो से कम रील्स बनी हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी किसी साउंड को यूज करते हो, ऐसा साउंड यूज करिए जिसपे 1000 रील से कम बनी हो और उसपे ट्रेंडिंग का ऑडियो जो एरो आ रहा हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक अपडेट के बारे में बताता हूँ जिससे यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा अपने अकाउंट को ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्चिंग वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ एंड सिंपली से सर्च पे चला जाता हूँ। यहाँ पे सर्च पे गया तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो आदिपुरुष टेलर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मोटिवेशनल स्टेटस लिखा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ तो मीम कॉमेडी लिखा हुआ है, मेहंदी डिजाइन लिखा हुआ है, सिस्टर ब्रदर लिखा हुआ है। इस तरीके से जो ये यहाँ पे आपको टॉपिक दिखाए जा रहे हैं, इन पे एरो का निशान है। अब आप यहाँ पे समझिए कि जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिखाए जा रहे हैं, अगर आप इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपका रील्स वायरल हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मोटिवेशनल स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जो लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने हैशटैग मोटिवेशनल लगाया होगा अपनी वीडियो के अंदर एंड साथ ही साथ ये यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं जिससे इनका जो रील्स है वो यहाँ पे खुद से सजेस्ट हो रहा है एंड इस तरीके के वीडियो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पहले ही बता देता है कि अभी के टाइम पे क्या चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है। आप सर्च पे जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम के अंदर क्या चीजें ट्रेंड कर रही है। तो आप उन ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपका रील्स 100% वायरल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी रील्स को फ्री में प्रमोट करना चाहते हो एलोन लाइफ 1 मिलियन के अंदर, आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर आपका स्टोरी लगा दूं जिससे आपको थोड़ा बहुत बूस्ट मिल सके आपके रील्स वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बता दूं अगर आप मेरे रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि मैंने प्रमोशन स्टार्ट कर रखा है, जिसके लिए आपको करने के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको एक कोड मिलता है और जो आपको यहाँ पे डेली कोड मिलता है उस कोड को आपको सिंपली से करने के वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके अंदर मैं डेली एक स्टोरी लगाता हूँ, उस स्टोरी के अंदर आपको जाना है और उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करके सेंड कर देना है। बस आपको इतना काम करना है। आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे कल एक स्टोरी लगाता जिसपे यहाँ पे काफी सारे लोगों ने कोड सेंड किया, यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आपको कोड सेंड करना है एंड जिसका भी फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो फर्स्ट नंबर पे कोड सेंड करेगा मैं उसके अकाउंट को चेक करूंगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी वो भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आपका फ्री स्टोरी प्रमोशन भी करूंगा। और अगर प्रमोशन के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। तो चल फ्रेंड मिलते हैं कभी किसी और वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।